भारतीय जनता पार्टी खरगोन ने बुधवार को भाजपा कार्यालय पर नगरीय निकाय चुनाव संकल्प के सुझाव हेतु पत्रकार वार्ता का आयोजन किया, जिसमें नगरीय निकाय चुनाव संचालन समिति मध्य प्रदेश के सदस्य और खरगोन जिला प्रभारी अतुल पटेल, भाजपा जिला अध्यक्ष राजेंद्र राठौर ने संबोधित करते हुए बताया कि मध्य प्रदेश में भाजपा ने जो विकास कराए हैं उसी को लेकर जनता के बीच में जाएंगे और खरगोन नगर पालिका के वार्डों में लोगों को जागरूक करके चुनाव में भाजपा अपनी जीत का परचम लहराएगी। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। अलग अलग नगर पालिका के अलग अलग मुद्दे होते हैं शहर के, उनको उस लोकल स्थानीय निकाय जैसे खरगोन के जो है यहाँ के सुझाव क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी में संकल्प पत्र कहते हैं, हमारा संकल्प पत्र किस प्रकार के बने ये सुझाव के आधार पर हम तय करेंगे। हमारे उपस्थित है साथ ही मंचा सिंह क्षेत्र की क्या कार्य है और वो क्या चाहते हैं, उसमें ऐसा कोई विषय है जो पूरे शहर के लिए सुझाव मांग बीच आज लाल से बतौर प्रभारी यहाँ पहुंचे हैं खरगोन, क्या क्या सुझाव आए नगर के विकास के लिए? आपको नगरी विकास को लेकर जो संकल्प पत्र प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी तैयार करेगी उसको लेकर आज मैं बैठक यहाँ लेने की प्रभारी के तौर पर बैठक की, इसमें शहर के लगभग हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष जी और पार्टी के संगठन ने सभी वर्ग के लोगों को सुझाव के लिए आमंत्रित किया था कि आप आए तो अपना शहर कैसा हो इस दृष्टि से अपने जो सुझाव है वो हमें दें, जिसको हम संकल्प पत्र में शामिल करकर आगामी नगरीय निकाय चुनाव में उस संकल्प पत्र के आधार पर चुनाव में उतरे, जिससे ये हमारा संकल्प हम घोषणा पत्र के बदले उसको संकल्प इसलिए कहा है कि हमारा ये संकल्प रहेगा जो संकल्प पत्र में शामिल करेंगे कार्य उन 5 वर्षों में नगरीय निकाय सीधे शहर और नगर से सरोकार रखता है विकास को लेकर, तो किन किन के सुझाव आए आपका? यहाँ पे गणमान्य नागरिक को मैं ज्यादा नहीं जानता हूँ नाम से उन्होंने बताया, लेकिन वर्ग व्यापारी वर्ग भी था उसमें, कुछ महिला वर्ग भी था साथ में, सब्जी मंडी वाला वर्ग भी था, एक बहुत बड़ा मुद्दा है वर्तमान में जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है और नगर निकाय चुनाव सिर पे है, ऐसे में भाजपा को क्या लगता है कि वो लोगों तक अपनी बात को पहुंचा पाएगी, जबकि लोग बाबू की मन स्थिति अभी महंगाई को लेकर बड़ी विचलित है, क्या कहना? लेकिन ये नगर निकाय चुनाव है और नगर निगम ने जो या नगर निकाय ने प्रदेश में 15 वर्षों में जो कार्य किए है वो अद्भुत कार्य, चाहे आपका खरगोन ले ले या कोई भी नगर पंचायत चल जाए कोई जिले में, चाहे हमारे ब्रह्मपुर खंडवा या प्रदेश के कोई भी स्थानीय निकाय में चल जाए, जो 15 वर्षों में निकायों में काम हुए, आम जनमानस की मूलभूत समस्याओं का निदान हुआ है, वो विगत 15 वर्षों के पूर्व जब दूसरी सरकारें थी तो शहर में गड्ढे होते थे, आज वर्तमान में कई प्रश्न आए, लेकिन ये जो बड़े प्रोजेक्ट चालू है उसमें थोड़ी असुविधा जरूर यहाँ के नागरिकों को हो रही, लेकिन जब वो डॉक्टर एक ऑपरेशन करता है तो मरीज जरूर चिल्लाता है, लेकिन वो जानता है कि ऑपरेशन के बाद मैं ठीक हो जाऊंगा। इस दृष्टि से अभी जो कार्य हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा वो आगामी वर्षों तक इस खरगोन की और जिले में जहाँ जो वर्क चालू उसके वो यहाँ के नागरिक लाभान्वित होगी और इस बात को हर नागरिक समझता है, महंगाई से इसको जोड़कर देखा और महंगाई भी बहुत बड़े स्तर पर नहीं, पेट्रोल डीजल अंतर्राष्ट्रीय बाजार मूल्य होता उस दृष्टि से सभी दूर एक तरीके से ऐसी महंगाई। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।